Let's solve the third multiple choice question of chapter 2 of the book of uh, Halliday, Resnick, and Crane. And the statement of the problem is An object is launched straight up in the air from the ground with an initial vertical velocity of 30 meters per second. The object rises to a highest point, approximately 45 meters above the ground, in 3 seconds. It then falls back to the ground in 3 more seconds, impacting with a speed of 30 meters per second.

अगर कोई ऑब्जेक्ट राउंड ट्रिप भी लेता है यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है वापस उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है तो भी उसकी एवरेज स्पीड जो है वो नॉन ज़ीरो होती है और एवरेज स्पीड जो होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड इसकी फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन तो हम देख रहे हैं कि जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट वो फोटी फाइव मीटर्स ऊपर जाने में है और फोटी फाइव मीटर्स ही उसको नीचे आने का डिस्टेंस है उसका तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है और जो टोटल टाइम वो लेता है वो थ्री सेकेंड्स ऊपर जाने के लिए और थ्री सेकंड्स नीचे आने के लिए तो जो उसका टोटल टाइम है वो थ्री प्लस थ्री है तो ये हमारे पास बनता है नाइन्टी डिवाइड बाई सिक्स जो कि फ़िफ्टीन मीटर्स पर सेकेंड आता है तो इसका मतलब है कि जो एवरेज स्पीड है उस ऑब्जेक्ट की इस आ, इन, इस ट्रैवल के दौरान यानी ऊपर जाने और फिर नीचे आने में वो कितनी है फ़िफ्टीन मीटर्स पर सेकेंड और अब अगर हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं तो वी हैव ऑप्शन सी इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम विच इज़ फिफ्टीन मीटर्स पर सेकेंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम वी हैव बिन आस्ट टू कैलकुलेट द मैगनीट्यूड ऑफ़ द एवरेज विलासटी ड्यूरिंग द सिक्स सेकेंड इंटरवल तो जब आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो रिमेंबर आपको डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ता है और अब अगर मैं यही फार्मूला जो टोटल एवरेज uh, स्पीड के लिए मैंने लिखा था अगर मैं एवरेज वेलोसिटी के लिए लिखता हूं तो अब ये हमारे पास बनेगा डी वन प्लस d2 और अब आप देख सकते हैं कि मैंने d1 और d2 के ऊपर वैक्टोरियल साइंस लगाए हैं क्योंकि अब ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और d1 वो डिस्प्लेसमेंट है जो ऑब्जेक्ट ऊपर जाते हुए कवर करता है और d2 वो डिस्प्लेसमेंट है जो वो नीचे आते हुए कवर करता है और हमें पता है कि वो डिसप्लेसमेंट जो है वो फोटी फाइव मीटर हैं इन बोथ केसेज़ तो अब आप इसको यूँ कह सकते हैं कि अगर हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव वाई एक्सेस है वो अपवर्ड है और वो जे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है तो ये अब हमारा बन जाएगा जो डी वन है ये फोर्टी फाइव मीटर जे यूनिट वेक्टर प्लस जो डी टू है जिसमें ऑब्जेक्ट नीचे आता है वो बनेगा फोर्टी फाइव मीटर्स माइनस जे यूनिट वेक्टर क्योंकि अब वो माइनस जे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है डिवाइड बाई टी वन प्लस टी टू और ये अब हमारे पास बन जाएगा फोटी फाइव मीटर जे यूनिट वेक्टर माइनस फोर्टी फाइव मीटर्स जे यूनिट वेक्टर डिवाइड बाई टी वन प्लस टी टू और ये हमारे पास ज़ीरो है क्योंकि न्यूमीरेटर ज़ीरो है इस इक्वेशन का तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमारे पास ज़ीरो आती है इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन ए है ये बी पार्ट में सही है एंड इट शुड हैव बीन वेरी ऑब्वियस टू यू क्योंकि आपको पता है कि जब भी एवरेज वेलोसिटी का पूछा जाता है और ऑब्जेक्ट वापस उसी जगह पर आ जाए जिस जगह से उसने आ, मोशन स्टार्ट की होती है तो हम कहते हैं कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आता है और एवरेज वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो आती है